थोड़ा देखो, बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर भाई, अच्छी लगी मुझे। सांसद जी सर, आज ये ककोड़ा मेला में आपने एक नया आयोजन किया है, मूंछ प्रतियोगिता, क्या क्या सार्थकता है सर इसकी? देखिए, इस ककोड़ा मेला पूरी तरह से गांव के लोगों का मेला है। आसपास के जितने गांव हैं, जिले हैं, उनसे लोग यहां पर आते हैं और तीन चार दिन, पाँच दिन कोई रहता है यहाँ, कल्पवास करते हैं और दो दिन पहले से ही आ जाते हैं। तो गाँव के लोगों की इस मेला में सहभागिता हो, गांव के लोग भी ये समझे कि जिला प्रशासन और मेरा समिति उनको भी सम्मान दे रही है, उनको भी पूछ रही है। इस दृष्टिकोण से इस बार नई एक प्रक्रिया शुरू की गई, वो थी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता। उसमें हमने कबड्डी भी कराई, आठ टीमें आई हैं कबड्डी की, सात टीमें वॉलीबॉल की आई हैं। हमारे वॉलीबॉल का भी खेल चल रहा है, माननीय विधायक जी ने कबड्डी और वॉलीबॉल का भी, और दौड़ प्रतियोगिता हुई है जिसमें हम सब ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा कुश्ती हुई है, तो ये सारे आयोजन जो है ताइक्वांडो का हुआ है, ये सारे आयोजन गांव से जोड़ने के लिए हुआ। इसमें सर जिले में आज मूछ प्रतियोगिता भी थी, हम लोग यहां पर आए थे जिस दिन भूमि पूजन यहां का हो रहा था, झंडी पूजन, तो एक मूछ वाला मिल गया था। उस मूछों को देख करके उसी समय तय हुआ कि इस मेले में मूछ प्रतियोगिता होगी, और ये उसी दिन तय होने के बाद ये सबकी सलाह बनी, इतने लोग आए यहाँ पर थे मेला में कमेटी के, और उसकी सलाह पर ये मूछ प्रतियोगिता आज हुई, और सीओ साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब सबने मिल करके इसको मूछ वालों को खबर पहुँचाई, सारे मूछ वाले आए, उनको यहाँ पर माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी के सबके कर कमलों से उनको सम्मानित किया गया। जिले में क्या होगा, अब अगले ककोड़ा मेले में लोग एक दो महीने पहले से ही तैयारी करेंगे मूछों की, और अच्छी मूछें आपको इस जिले में देखने को मिलेंगी। सदर विधायक जी को भी पुरस्कार मिला मूछों के लिए, ये क्या था? सदर विधायक जी की मूछों का पुरस्कार इसलिए दिया, एक जूरी बनी थी एसडीएम की और सीओ की और दो तीन प्राइवेट लोग थे, उन लोगों ने कहा विधायक जी ने मूछें अच्छे ढंग से रखी है, एक तो मूछें होना और उनको अच्छे ढंग से रखना, तो वो स्पेशल पुरस्कार विधायक जी को इस बात का।